हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे इन्वर्टिब्रेट्स का, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पाइला का नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम यूनियो का नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। यूनियो अनदर नेम इसका है लैमेलिडेंस, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये फाइलम मोलस्का के अंडर आता है, फाइलम मोलस्का, और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सेसाइल नेचर का होता है, एक जगह रहता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है एक इनएक्टिव एनिमल है। सो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, इनएक्टिव एनिमल है, तो इनएक्टिव इसी के कारण, चूँकि इसके सेसाइल नेचर के कारण ये एक जगह रहता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, इसका नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी सिंपल टाइप का है। ठीक है, तो लेस डेवलप्ड है नर्वस सिस्टम। लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है इसका कुछ दो तीन अलग अलग पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और वो दो तीन पार्ट्स के बारे में अगर अपन देखें तो बेसिकली कुछ गैंग्लियास, कुछ कनेक्टिव्स और नर्व्स, ये तीन चीज़ से मिलके बना हुआ है। नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट्स ऑफ गैंग्लिया, कनेक्टिव्स और नर्व्स, ये बेसिक तीन पोर्शन मिला के इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है, तो इसके बारे में हम अब वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे कि कौन कौन से गैंग्लियास होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और उन गैंग्लियास किस चीज़ से कनेक्टेड है और कैसे इनमें नर्व्स अराइज होते हैं, इन सब के बारे में हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गैंग्लिया की। ठीक है, यूनियो के पास ब्रेन नहीं होता। गैंग्लिया की बात करें अगर अपन, सबसे पहली चीज़, यूनियो डज नॉट हैव ब्रेन। इनके पास ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं रहता। ठीक है, पर कुछ गैंग्लिया है वो फ्यूज्ड होके ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, बट थ्री पेयर ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे तीन पेयर ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, तीन पेयर गैंग्लिया मौजूद रहता है जो कि फ्यूज हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो तीन पेयर जो है गैंग्लिया है यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, जो कि इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। थ्री पेयर ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया मेक्स अप दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीन पेयर गैंग्लिया आपस में जुड़ के फ्यूज होके यूनियो के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बनाता है। ठीक है, ये जो गैंग्लिया है ये हेड में, फुट में और इनके विसरल ऑर्गन्स में मौजूद रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद रहते हैं। तो इन गैंग्लियाज की बात करें तो दीज गैंग्लिया आर प्रेजेंट, कौन कौन से भाग में प्रेजेंट होगा, हेड, फुट एंड विसरल ऑर्गन्स। हेड, फुट और विसरल ऑर्गन्स में जो है गैंग्लिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद अब एक एक करके हम गैंग्लियास के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि तीन पेयर जो है वो गैंग्लिया मौजूद रहता है, तो ये तीन पेयर कौन कौन सा गैंग्लिया है इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया। सबसे पहला गैंग्लिया है सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया, इसके बारे में हम देखते हैं।
सेरेब्रोपैरिफेरल गैंग्लिया जो है स्मॉल साइज़ का होता है, ठीक है। गैंग्लिया बनते कैसे, नर्व्स कहीं मिलते हैं तो गैंग्लिया बनता है, तो स्मॉल साइज़ का होता है, एक पिन के टिप के बराबर होता है, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल साइज़ का होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, येलोइश कलर का होता है, स्मॉल साइज़ का होने के साथ साथ येलोइश कलर का होता है ये गैंग्लिया। ओके, समझ में आया। स्मॉल साइज का है, येलोइश कलर का है, फेरिंग्स के दोनों साइड लेटरल साइड पे मौजूद रहेंगे ये गैंग्लिया, ठीक है। लोकेटेड ऑन आइदर लेटरल साइड्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के लेटरल साइड पे दोनों तरफ जो है ये प्रेजेंट रहेंगे सेरेब्रोपैरिफेरल गैंग्लिया। अब उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो गैंग्लियन है ये दो टाइप के गैंग्लिया से फ्यूज होके बना है, ठीक है, सेरेब्रल और प्लूरल गैंग्लिया। फ्यूजन ऑफ सेरेब्रल एंड प्लूरल गैंग्लिया रिजल्ट्स इन सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लिया, सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लिया। मतलब सेरेब्रल गैंग्लिया और प्लूरल गैंग्लिया ये दोनों जब मिक्स होते हैं या फिर फ्यूज होते हैं तब जाके ये सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लिया जो है बनता है, ठीक है। तो दो गैंग्लियों को मिक्स करके, दो गैंग्लिया को फ्यूज़ करने के बाद एक सिंगल गैंग्लिया ये सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लिया जो है वो बनता है, ठीक है। ये जो दो गैंग्लिया है ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको अपन सेरेब्रल कमिसर बोलते हैं। दीज गैंग्लिया जॉइन टुगेदर बाय थिन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है, उससे जुड़े होते हैं सेरेब्रल कमिसर से जुड़े होते हैं, सेरेब्रल कमिसर, ठीक है। तो ये सेरेब्रल कमिसर होता है, पतला सा कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू जो है ये दो गैंग्लिया आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो सेरेब्रल कमिसर है ये फेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है, प्रेजेंट अबव फेरिंग्स, ठीक है। इट इज प्रेजेंट अबव फेरिंग्स या ओवर द फेरिंग्स ऊपर पाया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे गैंग्लिया की, तो दो कनेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं हर गैंग्लियन से। दो गैंग्लियन मौजूद है यहाँ पे, एक सेरेब्रल और एक प्लूरल, या ये तो पेयर में एक सेरेब्रल और प्लूरल गैंग्लिया मिलके एक गैंग्लियन बना, वैसे दो मौजूद हैं और हर गैंग्लियन से एक कनेक्टिव निकलता है, ठीक है। वो जो कनेक्टिव है वो सेरेब्रल गैंग्लियन को पेडल गैंग्लियन से जोड़ता है। दो कनेक्टिव, सबसे पहली बात है सेरेब्रोपेडल कनेक्टिव, सेरेब्रोपेडल कनेक्टिव। इसका काम सेरेब्रल गैंग्लिया और पेडल गैंग्लिया को जोड़ना, सेरेब्रल और पेडल गैंग्लियन को जोड़ना, कनेक्ट्स सेरेब्रल एंड पेडल गैंग्लियन, सेरेब्रल और पेडल गैंग्लियन को ये सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव जोड़ता है। और नेक्स्ट है सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव, जो कि सेरेब्रल और विसरल गैंग्लियन को जोड़ता है, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव क्या करता है, कनेक्ट्स सेरेब्रल
एंड विसरल गैंग्लियन। सेरेब्रल और विसरल गैंग्लियन को आपस में ये जोड़ता है, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव और सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव, सेरेब्रल गैंग्लियन और पेडल गैंग्लियन को आपस में जोड़ता है। नर्व्स की बात करें तो कुछ नर्व्स यहाँ से निकलती हैं जो कि एंटीरियर एडक्टर मसल्स को, लेबियल पैल्प को और मेंटल को जाती है। नर्व्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो कहाँ कहाँ जाती है, एंटीरियर एडक्टर मसल को। एडक्टर मसल क्या होता है, जो बॉडी होती है न्यूनियों की, मैक्सिमम बॉडी जिस मसल से बनती है वो एडक्टर मसल्स ही होते हैं। तो ये एंटीरियर एडक्टर मसल ठीक है, एंटीरियर एडक्टर मसल्स के बाद लेबियल पैल्प। लेबियल पैल्प जो होता है एक फ्लैप लाइप स्ट्रक्चर होता है, कल भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फ्लैप लाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि फीडिंग के लिए खाने के काम आता है और इसके साथ साथ सेंसरी भी होता है, ठीक है। सो लेबियल पैल्प, और लेबियल पैल्प के अलावा फिर यहाँ पे जो सप्लाई होता है वो मेंटल को होता है, सबसे आउटर लेयर मेंटल। इन तीन जगह को जो है नर्व सप्लाई दिया जाता है सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट पे अपन आ जाते हैं पेडल गैंग्लिया पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेडल गैंग्लिया की। पेडल गैंग्लिया, पेडल गैंग्लिया की अगर अपन बात करें तो एक पेयर स्मॉल पेडल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, तो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और स्मॉल होते हैं, प्रेजेंट इन फूट रीजन, फुट वाले रीजन में, पैरों वाले रीजन में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बाई लोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, तो पेयर्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, फुट रीजन में मौजूद होते हैं, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये जो है लगभग फुट के थोड़ा सा ही पहले डिस्टेंस में जो है ये मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें पेडल और सेरेब्रल प्लूरल गैंग्लिया ऑफ ईच साइड आर कनेक्टेड टुगेदर बाय सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव्स। अब ये पेडल गैंग्लिया और सेरेब्रल प्लूरल गैंग्लिया ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, पेडल एंड सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया, पेडल और सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव से, कनेक्टेड बाय सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव, सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव की मदद से ये जो गैंग्लियाज है पेडल गैंग्लिया और सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया आपस में जुड़े हुए होते हैं। नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे पेडल गैंग्लिया की जो नर्व सप्लाई है वो फुट के मसल्स को नर्व सप्लाई देती है। नर्व सप्लाई की बात करें अपन तो मसल्स ऑफ फुट, फुट के रीजन में जो भी मसल्स मौजूद होंगे उसको नर्व सप्लाई देगी, साथ ही साथ स्टैटोसिस्ट को नर्व सप्लाई देगी। स्टैटोसिस्ट क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को, बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक। तो स्टैटोसिस्ट और फुट के मसल्स को यहाँ पे नर्व सप्लाई मिलेगा पेडल गैंग्लिया से। फाइनल अपन आते हैं विसरल गैंग्लिया पे, फाइनल पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का यूनियों के विसरल गैंग्लिया। विसरल
गैंग्लिया। विसरल गैंग्लिया की बात करें तो ये साइज में बड़ा होता है कंपैरेटिवली बाकी दो से, ठीक है, लार्ज इन साइज, रिलेटिवली लार्ज इन साइज मतलब बाकी दो से बड़ा होता है, ठीक है, बाकी दो से गैंग्लिया जो है बड़ा होता है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? पोस्टेरियर एडक्टर मसल्स जो हैं उसके मेम्ब्रेन में, लोकेटेड इन अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द पोस्टेरियर एडक्टर मसल। तो पोस्टेरियर एडक्टर मसल के जस्ट नीचे या पोस्टेरियर पिछले हिस्से पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये मौजूद रहते हैं। लोकेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द पोस्टेरियर एडक्टर मसल, मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द पोस्टेरियर एडक्टर मसल के, पोस्टेरियर एडक्टर मसल, पोस्टेरियर एडक्टर मसल जो है उसके नीचे मेम्ब्रेन मौजूद होगी, वहाँ पे ये गैंग्लिया जो है मौजूद रहेगा। ये जो विसरल गैंग्लिया है पोस्टेरियर एडक्टर मसल के नीचे मौजूद रहेगा, बस इतना याद रखो। ये जो है ये फ्यूज़ होके, जो दो विसरल गैंग्लिया है, ये दो विसरल गैंग्लिया फ्यूज़ होके बनाते हैं, फ्यूज्ड टू फॉर्म, फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म स्टेलेट मास, स्टेलेट मास। स्टेलेट मास जो होता है ना वो नर्व होता है स्टार शेप का, ये जो नर्व है ना ये स्टार शेप का दिखने लगता है, ठीक है, इसको स्टेलेट मास बोलते हैं, ठीक है। विसरल और सेरेब्रो प्यूरल गैंग्लिया जो है दोनों साइड का वो कनेक्टेड रहते हैं सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव से, विसरल एंड, विसरल और सेरेब्रो प्यूरल गैंग्लिया, सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव, बाय सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव की मदद से ये जो विसरल गैंग्लिया है और सेरेब्रो प्यूरल गैंग्लिया है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, आपस में जुड़ के एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। पांच पेयर नर्व्स जो है वो इन गैंग्लिया से निकलती है, फाइव पेयर नर्व अराइजेज फ्रॉम दीज गैंग्लिया, इन गैंग्लियन से पांच पेयर नर्व्स जो है वो निकलती है। इसको वन बाय वन देखें तो पहला है डॉर्सल पैलियल नर्व, पहला है डॉर्सल पैलियल नर्व। ये डॉर्सल पैलियल नर्व जो है वो पैलियम के डॉर्सल पार्ट को नर्व सप्लाई करेगी। अब पैलियम क्या है, एक्चुअली पैलियम जो है वो स्किन की सॉफ्ट कवरिंग लेयर होती है यूनियों में, यूनियों को जो मसल्स होता है उसकी सॉफ्ट सी कवरिंग लेयर होती है पैलियम, ठीक है। तो ये डॉर्सल पार्ट ऑफ पैलियम को नर्व सप्लाई करेंगे, डॉर्सल पार्ट ऑफ पैलियम, पैलियम के डॉर्सल पार्ट को नर्व सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आता है पोस्टेरियर पैलियल नर्व, सेकेंड है पोस्टेरियर पैलियल नर्व, पोस्टेरियर पैलियल नर्व जो है वो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पैलियम को नर्व सप्लाई करेंगे, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पैलियम, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पैलियम को नर्व सप्लाई करेंगे। फिर आता है पोस्टेरियल रीनल नर्व, थर्ड इज पोस्टेरियर रीनल नर्व, ये सप्लाई करेंगे किसको, किडनी को, ये सप्लाई करेंगे किडनी को। चौथा है ब्रैंकियल नर्व, ब्रैंकियल नर्व जो है वो नर्व सप्लाई करेंगे यहाँ पे गिल्स को, ब्रैंकियल नर्व जो है वो नर्व सप्लाई करेंगे यहाँ गिल्स को।
एंड फाइनली है यहाँ पे पोस्टेरियर एडक्टर नर्व, पोस्टेरियर एडक्टर नर्व, ये नर्व सप्लाई करेंगे पोस्टेरियर एडक्टर मसल्स को। तो ये था पूरा आपका नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो। पांच पेयर नर्व निकलती है विसरल गैंग्लिया से, डोर्सल पैलियल नर्व पैलियम के डोर्सल साइड को नर्व सप्लाई करेंगे, पोस्टेरियर पैलियल नर्व पोस्टेरियर पार्ट पैलियम के नर्व सप्लाई करेंगे, पोस्टेरियर रीनल नर्व किडनी को नर्व सप्लाई करेंगे, ब्रैंकियल नर्व गिल्स को नर्व सप्लाई करेंगे और पोस्टेरियर एडक्टर नर्व पोस्टेरियर एडक्टर मसल्स को नर्व सप्लाई करेंगे। ये था आपका पूरा यूनियो का नर्वस सिस्टम, लैमेलिडेंस का नर्वस सिस्टम। हमने लैमेलिडेंस का नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, इसके पहले भी जो नर्वस सिस्टम थे पढ़ लिए, तो हमारा चैप्टर ये फाइनली फिनिश हो गया है। कंपैरेटिव स्टडी जो हमें नर्वस सिस्टम की करनी थी वो हमने कर ली और इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे के चैप्टर्स में हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। आज का वीडियो इतना ही हम रहने देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।